दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सा ट्रिपल कैमरा का स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग ब्रांड और कंपनी के ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, उसके फीचर्स डिटेल को कंपेयर करेंगे, उसके कैमरा क्वालिटी और उसके प्राइस को कंपेयर करेंगे। आपके कम बजट में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा ट्रिपल कैमरा वाला अच्छा फीचर्स के साथ मिल रहा है, और कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30S जो सीरीज़ है, उसमें क्या है कि आप कैमरा का जो जो प्राइमरी कैमरा है उसका 48 मेगापिक्सल का है, और उसका जो लो लाइट वाला जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का है, और जो ट्रिपल कैमरा उसका है 5 मेगापिक्सल का है। ट्रिपल रेयर कैमरा यूज़ हुआ है, और फ्रंट कैमरा जो सेल्फी के लिए आपका 16 मेगापिक्सल का कैमरा उसमें मिल रहा है। और उसका जो दोस्तों कैमरा का जो क्वालिटी है 4K क्वालिटी वाला पिक्चर आपको देगा, काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी का पिक्चर देगा वो, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ देगा, और काफ़ी अच्छा मतलब सैमसंग का ये कैमरा के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इसका प्राइस अगर हम देखें दोस्तों, मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 15,500, लेकिन ये आपको अभी ख़रीदने पे 13,999 रुपये में मिल रहा है, मतलब 1,500 तक का बचत आपको इसमें मिल रहा है। और अगर आप इसमें बात करें कि रैम का, तो रैम तो 4 GB है इसमें, और सुपर AMOLED डिस्प्ले यूज़ हुआ है, और स्टोरेज अगर बात करते हैं तो 64 GB का स्टोरेज है इसमें। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो बैटरी बैकअप मिलेगा आपको 6000 mAh का मिलेगा, जो काफ़ी टाइम तक टिकने वाला मतलब ये है रेंज है। 6000 mAh काफ़ी होता है, आप दिन भर अगर नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो आप आराम से इसे दिन भर आप यूज़ कर सकते हैं बिना एक बार चार्ज किए हुए। और साथ में इसमें फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर भी मिलेगा, और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसी को अगर हम कंपेयर करें OnePlus के 7T जो फ़ोन है स्मार्टफोन, इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें भी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल का लो लाइट वाला कैमरा है, और 16 मेगापिक्सल का इसमें जो ट्रिपल वाला कैमरा है। तो इसमें दोस्तों क्या है, फ्रंट कैमरा जो है इसमें 16 मेगापिक्सल का है, ये भी 4K क्वालिटी वाला पिक्चर देगा जो सेल्फी के लिए आप यूज़ करेंगे, और इसमें टेली फोटो लेंस भी लगा हुआ है और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर प्राइस का बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ा प्राइस थोड़ा बहुत हाई है, क्योंकि 38,000 के आसपास इसका ओरिजिनल प्राइस है, और अभी आपको मिल रहा है 34,999 में, जो कि 3,000 तक का सेव हो रहा है। और रिव्यू का बात करें कि 11,629 लोगों में 4.5 का रेटिंग दिया है। वहीं अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M30 सीरीज का, तो इसमें जो है 1,25,444 लोगों ने 4.5 का रेटिंग दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। रेटिंग के मुताबिक भी और प्राइस के हिसाब से भी सैमसंग वाला OnePlus से मुझे ठीक लगा। लेकिन इसमें जो है आप देख सकते हैं OnePlus का जो 7T वाला मॉडल है, इसमें 8 GB आपको रैम मिलेगा, और डिस्प्ले तो दोनों में AMOLED डिस्प्ले ही लगा हुआ है, लेकिन इसका स्टोरेज जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, 128 GB का स्टोरेज है, और रैम भी उससे दुगना है। मान लो कि 8 GB का है, उसमें 4 GB का था, और यहाँ पे जो प्राइस थोड़ा हाई हो जा रहा है, और साथ में बता दूँ कि बैटरी बैकअप उतना खास नहीं देगा, 3,800 mAh का है, तो ये भी ठीक ठाक है। लेकिन उसके कंपेयर में सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के कंपेयर में ये थोड़ा कम बैटरी बैकअप देगा, और प्राइस भी इसका थोड़ा हाई है, और लेकिन कैमरा क्वालिटी और रैम आपको अच्छा, अगर इंटरनेट आपको यूज़ करना है तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और कैमरा क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है दोनों उसके कंपेयर में। अब बात कर लेते हैं वीवो U20 जो नया मॉडल है, इसका जो 6 GB का रैम है, और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ हुआ है, और स्टोरेज जो है इसका 64 GB का, ये भी नया मॉडल है, लेकिन इसका प्राइस जो है दोनों के कंपेयर में कम है, 11,990 रुपये में अभी मिल रहा है। जो एक्चुअल प्राइस है इसका दोस्तों 15,000 के आसपास है। और अगर इसका बात करें हम कैमरा क्वालिटी के, ये भी ट्रिपल कैमरा वाला फ़ोन है, तो इसमें 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा यूज़ हुआ है 120 डिग्री AI सुपर वाइड एंगल के साथ, और 8 मेगापिक्सल इसमें जो प्राइमरी लो लाइट लेंस लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का, और सुपर मैक्रो कैमरा जो है इसका, जो ट्रिपल वाला कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का उसमें क्वालिटी है। और काफ़ी
काफ़ी अच्छा है ये भी प्राइस के हिसाब से। आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, प्लस आपको 6 GB रैम भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर जिसके पास लो बजट है वो इस फ़ोन को आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लें जैसे ये तो OnePlus T7 तो अलग कलर में है, ये सिल्वर कलर में, इसलिए इसका मतलब ये है। अभी जैसे मैंने बात किया वीवो और ये सब का तो बात कर ही दिया है हमने। अब बात करते हैं हमें OnePlus 7 Pro के ऊपर। OnePlus 7 Pro में क्या है दोस्तों, 48 MP का प्राइमरी कैमरा यूज़ हुआ है, और टेलीफोटो के लिए आप 8 MP वाला कैमरा यूज़ कर सकते हैं, और मतलब उसी के लिए यूज़ होता है टेली, मतलब दूर का फोटो आप इसमें आराम से 8 MP के क्वालिटी में खींच सकते हैं। और 16 MP में अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा है, और फ्रंट कैमरा भी 16 MP जो 4K क्वालिटी का पिक्चर देगा आपको, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें लेंस लगा हुआ है टेली फोटो लेंस, और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है, और इसका जो कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है। लेकिन ये है जस्ट प्राइस का हाई है, क्योंकि इसमें देखिए जो क्वालिटी है दोस्तों ये ठीक ही ठाक है, लेकिन इसका जो स्टोरेज है सबसे ज़्यादा है। आप पहले वाले देखे थे कि 128 GB 7T वाले में, OnePlus 7T में स्टोरेज जो है 128 GB स्टोरेज था, लेकिन यहाँ में 256 GB स्टोरेज मिल रहा है आपको, और उसमें जो बैटरी बैकअप 3800 mAh का था, इसमें 4000 mAh का बैटरी बैकअप है। और इसमें क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस है दोस्तों 53,000 के आसपास, लेकिन ये अभी आप खरीदते हैं तो 42,999 में आपको मिल जाएगा। तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप खरीद लेंगे तो आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा। अगर कार्ड से पे करते हो तो और अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों OnePlus 7 Pro जो है काफ़ी अच्छा है, ये भी जो है फ्यूड AMOLED डिस्प्ले से बना हुआ है, तो इसमें आप देखें तो जो स्टोरेज है आपको ज़्यादा मिल रहा है, बैटरी बैकअप ज़्यादा मिल रहा है इसमें। और अगर बात कर लें कि ये इसका जो रिव्यू है, 13,897 लोगों में 4.5 का रिव्यू दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, तो ये सस्ता में भी मिल रहा है, आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों Vivo U10 का। Vivo U10 जो मॉडल है दोस्तों, वीवो का नया मॉडल है। इसमें क्या है, प्राइमरी कैमरा 30 MP का दिया गया है इसमें, और जो टेलीफोटो वाला जो कैमरा है 8 MP का है, और जो ट्रिपल कैमरा जो है वो 2 MP का AI ट्रिपल कैमरा है इसमें यूज़, और काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका प्राइस जो है दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव है, 8,490। अगर आपके पास बहुत कम बजट है, 10,000 से कम का बजट है, 9,000 से कम का, तो आप ये, मैं रिकमेंड करूँगा ये फ़ोन आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है, 5,000 mAh का बैटरी बैकअप है, और फास्ट चार्जिंग इसमें है, आधे एक घंटे में आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, और रैम भी अच्छा है, 3 GB का है रैम, और स्टोरेज जो है 32 GB स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, तो काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस जो है दोस्तों बहुत कम में मिल रहा है, एक्चुअल में इसका 11,000 दाम है, लेकिन आपको 8,490 रुपये में मिल रहा है, मतलब 2,500 का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो अब बात करते हैं Xiaomi का Mi A3 के ऊपर। तो Xiaomi का जो Mi A3 फ़ोन है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें जो है दोस्तों कैमरा 48 MP जो प्राइमरी कैमरा है, और 8 MP जो है इसका जो टेलीफोटो वाला कैमरा है वो, और जो थर्ड वाला कैमरा है वो 2 MP के लिए है। AI ट्रिपल कैमरा इसमें है, और जो सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो फ्रंट कैमरा इसमें 32 MP का है, जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी में देगा, 4K क्वालिटी में, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के 4K क्वालिटी में आपको ये सेल्फी खींच के देगा, और काफ़ी बढ़िया है इसका, मतलब एकदम क्लियरिटी है दोस्तों। आप इस फ़ोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका प्राइस भी आप देखेंगे तो 12,499 रुपये में, जो कि इसका 15,000 के आसपास दाम था, अभी खरीदने पे आपको 12,499 रुपये में मिल जाएगा, जो कि 2,500 रुपये का पूरा पूरी बचत हो रहा है दोस्तों। और इसमें जो ये रैम है वो 4 GB का है, स्टोरेज भी अच्छा है 64 GB का है, और इसमें एक्स्ट्रा ऑफर भी है, अगर आप एक्सचेंज कराते हैं तो 1,000 तक आपको एक्सचेंज में ऑफर मिलेगा, और 6 मंथ तक आप नो EMI कॉस्ट वाली फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं, जो अमेजोन पे दिया होगा, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हमें लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से, और जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो सही में आपको लगा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।